आज मैं बनाऊंगी आलू वड़ा, लाल चटनी, हरी चटनी। चलिए देखते हैं ये कैसे बनेगी। उबले हुए आलू लिए, कटा हुआ धनिया, हमें कुछ मसाले चाहिए, नमक, ब्लैक पेपर, आमचूर, सौंफ, लाल मिर्च, धनिया पाउडर, खड़ा धनिया, थोड़ी सी हींग। सभी को आलू में डाल के मिलाएं। अब वड़े का मसाला तैयार है, आप इनकी छोटी छोटी बॉल बना लें। मैंने सभी को बना लिया है। कढ़ाई में तेल गरम करें। अब हम वड़े का बैटर बना लेते हैं। तो हमें चाहिए बेसन, मसाले डालें, नमक, मिर्च, हल्दी, हींग और खड़ा धनिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार करें, ना गाढ़ा ना पतला। मैंने इसे अच्छे से फेंट लिया है, कम से कम 2 मिनट। हमारा बैटर ऐसा होना चाहिए। बैटर लगाएं। गैस को रखें मीडियम। अब इन्हें दोनों तरफ से अच्छे से पकाएं। ये अच्छे से फूट चुके हैं। जब तक वड़े पकते हैं तब तक मैं चटनी बना लेती हूँ। मैंने थोड़ा सा पानी लिया है, उसमें 2-3 चम्मच चीनी डालें, 1 चम्मच आमचूर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच नमक। अब इसे गाढ़ा होने तक पकाएं। हमारे वड़े भी तैयार हो चुके हैं, अभी इन्हें प्लेट में निकालें। अब हमारी चटनी तैयार है। हरी चटनी के लिए धनिया, थोड़ा सा पालक, लहसुन, नमक, आमचूर पाउडर, आपके पास हरी मिर्च हो तो हरी मिर्च डालें, लाल मिर्च। अब इन्हें पेस्ट बना लें। अब चटनी तैयार है। अब हमारे वड़े तैयार हैं, आप इन्हें हरी चटनी और लाल चटनी के साथ खाएं।